अभी सुबह हो गई है, आज की दिन तारीख है 6 जून, तो हम निकल रहे हैं अब सिसु के लिए। सिसु और कोकसर जाएंगे। सिसु में स्नोफॉल दिखा रहा है आज, -7 डिग्री टेम्परेचर है मिनिमम पे, और मैक्सिमम पे रहेगा 3 या 4। तो देखते हैं वहाँ का कैसा वेदर है। अभी सुबह 5 बज रहे हैं, कल रात को हम अपना खा पी के सो गए थे अपना वही कैंपिंग में, उसके बाद तो कुछ डाला नहीं था मैंने। तो निकले हैं सुबह 5, 5:30 हो रहे हैं, सिसु पहुँचते हैं, अटल टनल निकलते हैं, तो दिखाता हूँ थोड़ी देर में, स्टे ट्यून्ड गाइस। पेट्रोल डलवा रहे हैं, सिसु से पहले पड़ता है, अटल टनल से पहले, जो जाने से पहले डलवा लेते हैं, वहाँ तो फिर मिलेगा नहीं। गाइस अटल टनल के लिए निकल गए हैं, ऊपर स्नो कैप्ड माउंटेन दिख रहे हैं, और सिसु में जाके ठंड लग रही है भाई। सिसु में हमें मिलने वाली है बर्फ, वहाँ पे स्नोफॉल दिखा रहा है वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, तो -7 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। चलते हैं देखते हैं क्या सीन है, मिलते हैं। टनल से बाहर आ गए हैं, ये ट्रक हमारा व्यू रोक रहा है बेवकूफ बदतमीज सा। ओ भाई ऊपर देखो बादल, अलग है। क्या व्यू है यार टनल के बाहर का। अब सिसु पहुंच गए, कैफे में रुके, एक कॉफी पी रहे हैं भाई। ये है कैफे, इधर बैठे हैं। और भाई से देखो कितनी ठंड लग रही है भैया, कंबली ओढ़ के बैठे हैं भाई साहब। बेहद तुम्हारी गलती है ना भैया, 4 दिन से तुम एक ही शर्ट पहनते थे गर्म, तुम्हारी गलती है ना। 2 दिन हुए शर्ट को पहने हुए, अपना कैमरा तो हटा लो, इसमें अच्छा ही लग रहा ना, ऐसे ही बोल सकते हो। इसमें अच्छा ही लग रहा, वीडियो में नहीं अच्छा लग रहा। चार दिन नहीं यार, ठंडी इतनी है क्या करे बताओ। मैं तो आपको ही बोला था ले लो, मैं तो आपको ही बोला था ले लो, ले नहीं। ये है सिसु वैली, बादल एकदम नीचे ही है। तो गाइस ये है हमारा व्यू पहाड़ पे, ये कैफे था, इसमें रुके हम। बाबा बैठे हैं, बाबा कुछ खाओगे, बाबा चाय पी ली और बिस्कुट विस्कुट लेना है कुछ। बाबा बिस्कुट ला के दूं, ये एडिट कर दूंगा बाबा मैं। बाबा ये एडिट हो जाएगा। बाबा खाली एक टी शर्ट ले आए थे ये सोच के कि यहाँ गर्मी होगी, अब कम्बल ओढ़ के बैठने। बाबा और कुछ चाहिए हो तो खाने पीने के लिए बता देना। लोगों ने बढ़िया चाय कॉफी पिलाई है, चाय कॉफी अच्छी बनती है, बढ़िया चाय कॉफी तो जैसी बोलो वैसी बनाते हैं, हर चीज डालते हैं पता है लोग, लौंग इलायची डालते हैं, बाकी जगह तो हमें उबाल के देते हैं पानी में, बस पानी में गंदी सी चाय देते हैं। वो जगह जहाँ पे जितनी बार पिए, मनाली हो कसौल हो यहाँ हो, हर जगह मस्त कॉफी चाय बनाई, मतलब चाय और कॉफी दोनों अच्छी है। ऐसी बात है बाबा, पूरे बाबा लग रहे हो भाई कसम से। बलराज निरंजन बोल दूंगा अभी, क्या बोलोगे ज्यादा बोलोगे। मैं अगर 10 मिनट और यहाँ बैठ गए ना और मैं ऐसे चला गया, लोग आपको पैसे देने स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। वीडियो तो वहाँ की बनानी चाहिए थी, कहाँ की, मनाली के रास्ते की रात को। अरे भाई खतरनाक, कीच
कीचड़ वाला रास्ता बड़ा डेंजरस लगता है भाई। गाड़ी का टायर फंस जाए ना इसमें तो घूमता चला जाता है, ये तो है। वो अंदर घुसता फिर बराबर के खाई है भाई, स्लिप हुआ तो नीचे जाएगी, स्लिप नहीं होगी बस लैंडस्लाइड होगी मेरी। निकल रहे कोकसर के लिए, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रहा है, पर्सन काउंट होता है पर्ची भाई। ये है चेक पोस्ट, यहाँ से हम निकल रहे हैं। पर्ची कट गई है, 200 रुपए की पर्ची कटती है यहाँ पे। उसके बाद निकल रहे हैं हम सीधा, ये देखो बर्फ का ग्लेशियर सामने दौड़ा भाई, बदल बदल ही आ गए जमीन पे। ओ भाई इतनी सारी भेड़े, हेलो हेलो भाई पूरा गिर गया हम तो भेड़ों से। सीन देखो कितना बड़ा बड़ा भेड़ों के। जाम हो गया है, ये भीड़ों ने ट्रैफिक जाम कर दिया हमारा, इसे कहते हैं रोड भाई। भाई ये लोकेशन है पूरा 360 व्यू। भाई ये है अपना कैंपिंग सेटअप, आग जल रही है, अपनी कड़ी वड़ी बनाएंगे यहाँ पे। ये रिवर है, थोड़ी मैगी मुझे भी दे दो यार, क्या कर रहे हो ये? अरे भाई क्या कर रहे हो ये? दे रही है ना, मैं कैसे खाऊंगा? दे रही है नहीं। इसमें डाल दो थोड़ी सी, मतलब कि वो ले लूं। हां ले लो, तो नहीं लगा दोगे? अरे रे तो भाई तुम मैगी ले लो, मैंने तो मटर का ले लिया था, ज्यादा क्या। बात तो सही है, मैगी खा लो। मैगी और भी अभी तो एक पैकेट हमारे पास है ना, दो पैकेट और क्या चाहिए भाई, बहुत ज्यादा। तो मैं बनाऊं चाप? चाप बना रहा हूं। चाप का ही चाप? चाप। अच्छा अपनी बारे तो वैसे का। अरे नहीं हो यार, मेला बना हुआ है। सबर कर लो यार भाई, बराबरी से होता है ये तो। तुम तो लगे ही पड़े हो यार, क्या डाल लूं एक और? सब्जी काट ली है, मैं बना रहा हूँ चाप। अब इसमें जाएगी प्याज, तो अब जाएगा इसमें टमाटर। डाल दिया दोनों, डाल गया। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? लोग जाते हैं होटल में, लग्जरी में। भूतिया लोग होते हैं भाई, होटल में क्या फायदा? भूतिया लोग जाते हैं। भूतिया मतलब? भूतिया लोग होते हैं। अच्छा, मजा है यहाँ पर आने का। ट्रिपल सी है भाई, इतना नेचुरल वाटर, आइस वाटर है यहाँ। आइस वाटर देखो वहाँ से आ रहा है पिघलता हुआ ऊपर से, ये वाटरफॉल, यहाँ से आ रहा है पानी, ये सारा बर्फ का पानी है भाई, बर्फ नदियाँ मिली बर्फ। ये अपनी कैंपिंग चल रही है, ये लोग भैया एंजॉय कर रहे हैं, ये भी हमें देखा गया, ये हमें देख के नीचे आ गए। होटल में क्यों जाते हैं पता नहीं यार, होटल में क्या मजा आता है? कुछ मजा आता है होटल में?
कोई फायदा नहीं होटल में। नेचुरल जगह में आओ, घूमो फिरो, नदी के पास घूमो आराम से, इतना प्यारी जगह है, इतनी सुंदर है। पहाड़ों का मतलब यार रूम में बंद थोड़ी होने आ रहे हो, होटल में खाए मैगी ऑर्डर कर ली, होटल में जाके तो लोग मैगी खाते हैं, निकल जाते हैं। अबे यहाँ खाओ मैगी बैठ गए, यहाँ देखो मैगी भी खा ली, कुकिंग भी चल रही है। क्या बना रहे हैं आज हम? चाप। चाप बना रहे हैं, चाप और आपका कुछ करी वरी बना रहे हो आप। कैसा चल रहा है फिर? बस बर्फ भर के लिए ना, ये सारा बर्फ का पानी बन के यहाँ से आ रहा है भाई, बर्फ का पानी बन के यहाँ से नदियाँ बन जाती है, ये सारा बर्फ, इसके पीछे सब बर्फ के पहाड़ है, आसपास के जितने भी बर्फ के पहाड़ सब। वाटरफॉल में मेरे को जाने का मन है, वो वाला यहाँ पे ट्रैक तो होगा, कुछ तो होगा यार। तो कितनी ऊंचाई से पानी आ रहा है? ऊपर वाले पे नहीं कह रहा, नीचे वाले वाटरफॉल पे कह रहा हूँ। पानी तो होने में जाए सारा है, उसके भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे जहाँ से पानी आ रहा है बर्फ के, वो देखो ना ऊपर, वो देखो बादल के अंदर पहाड़ है। मैं कह रहा हूँ वही बादल गल रहे हैं, बादल के सीधा पहाड़ी पानी बन के आ रहा है नीचे पूरा, लेकिन पानी बहुत अच्छा है। स्पीति भी ऐसे ही है, लाहौल स्पीति तो आए, स्पीति है ये, स्पीति का थोड़ा सा पहले आगे स्पीति है सारे, स्पीति में आता सारा बनने वाला है। टेस्ट अभी नहीं आया, अभी बन रही है, चखके देखूं। ये गुप्ता जी के चाप, गुप्ता जी अभी टेस्ट कर रहे हैं। बढ़िया कम, अरे आ जाओ आ जाओ, आओ उधर चल रहे रिवर पे। ये टमाटर तो मैंने फेंका था, यहां तक आ गया। थोड़ा जल्दी चले, आप बहुत स्लो हो यार। सॉरी भाई, कहां गए हम? ये कहाँ गए हम? ये जो छोटी नदी है ना, ये छोटी नदी बड़ी नदी मिल रही है, वहां चल रहे हैं, वहां आओ। ध्यान से, गड्ढा हो सकता है यहाँ पे, पानी दिख रहा है। से आओ इधर से, पॉज करो ना, पॉज करो दो मिनट। क्लिक ही तो करना है यार, अभी यहाँ से है यार, यहाँ पे आना चाहिए था। मैं अरे भाग जाएगी, ठीक है हम यही रहते, मार के तो बचा लोगे ना भाई, मार के तो बचा। Are you aggressive? भाई इसके सींग देखो यार, अगर ये मुझे टक्कर मार दे अभी। मैं थोड़ा पास आओ, यहाँ बैठ जाते हम। भाई साहब दिखाओ मेरा, पागल हो गया, देखो क्या कर रहा है, ये देखो क्या कर रहा है, पता नहीं क्या करी यार। ये क्या कर रहे थे आप? ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? गाना कौन सा गा रहे हो? ठीक है भाई, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना। अबे हमारे साथ ट्रिप पे जाओगे तो मजा ही आएगा भाई। अभी यार ये पूल बना हुआ बहुत सही, यहाँ आए
चाप जल्दी आओ ना। हैं? अरे आप खाओ यार, मुझे चाप नहीं खानी है। स्पीति वैली की वादियाँ हैं, बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुकून, और क्या मस्त जगह है। नदी के किनारे बैठ के पढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं आराम से, बहुत बढ़िया है। सर और सिसु से घूम के आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं वापस मनाली। अब मनाली के बाद देखते हैं, या तो दिल्ली जाएंगे वापस, या फिर कहीं स्टे करेंगे बीच में, या फिर मनाली में स्टे करेंगे और उसके बाद कल दिल्ली के लिए निकलेंगे। लेट्स सी क्या करते हैं, अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। स्टे अटल टनल से निकल गए हैं वापस मनाली के लिए। स्नोफॉल तो यहाँ भी हुआ लग रहा है। ऊपर हुआ है और नीचे नहीं हुआ। पानी वानी पीने रुका था मैंने, देखो क्या देखा। अभी देखो गाइस, गिद्ध खा रहे हैं यहाँ पे, गिर गए हिरन बेचारे, गिर के मर गए। दो तीन हिरन है और इतने सारे हिरन और ऊपर मरे हुए हिरन नहीं सॉरी गाय है, इतने बड़े बड़े गिद्ध हैं। और अगर यहाँ पे गिद्ध है तो और भी जानवर होंगे, बहुत सारे भाई। ना यार अंदर गाड़ी लेके जाऊंगा, अंदर क्या हो गया। गाड़ी ले जाऊंगा ना, उसमें बैठा हूं, लेट हूं, सो इधर बैठे बैठे सो जाऊंगा, तुम बता दो। अब फट्टू चलो भाई, सच बहुत तेज है भाई। पहाड़ पे मेट्रो आ गई है मनाली वाले रास्ते पे, ठीक है फिर तो मेट्रो में आ जाए करेंगे, क्यों है ना। सही बात है, मेट्रो आ गई है मनाली में, एक तरफ पहाड़ एक तरफ मेट्रो। तो अभी सुनील सर मेट्रो से आ जाएंगे और मैं अपना घर पहुंच जाऊंगा गाड़ी से, ये कह रहे हैं मेट्रो से जाऊंगा मैं। तो हम निकल गए हैं भाई साहब दिल्ली के लिए, बट देखो रात को कहीं स्टे करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बुक करेंगे नेक्स्ट डे। ओके बाय गाइस। यार अभी ट्रैवल कर रहे थे तो रास्ते में नींद आने लगी। मंडी है हिमाचल में, वहाँ रुके हैं, होटल लिया हुआ है। तो हम यहाँ से सुबह निकलेंगे, सुबह 8 बजे 8 बजे तक निकल जाएंगे। तो भाई मिलते हैं सुबह सुबह, हम जा रहे हैं दिल्ली वापस। ये क्या क्या तोड़ के लाते रहते हैं भाई, जहाँ से तुम जहाँ रुकोगे वहाँ के पत्ते वत्ते तोड़ोगे क्या, क्या तोड़ते पत्ते वत्ते। अरे नहीं यार ऐसे रहे हो, ये कैसा शौक है आपके, ये क्या हुआ। अरे बंद नहीं कर रहे हैं ये। हरियाणा वाले हाईवे पे क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है किस चीज का, पता नहीं क्या है, अंडे जैसा कुछ, समझ में आ रहा है। डायनासोर का अंडा लग रहा है भाई, ये तो मंदिर है, ये कौन सा मंदिर बना रहे भाई, कुछ अलग सी लग रही है चीज़ ये। चलो भाई घर निकल गए, चंडीगढ़ में खा लिए पराठे परूठे, फोन ऑफ हो गया था तो दिखा नहीं पाया। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक ले गुड बाय।